हैबिट्स को अपनाने के बाद आप में कमाल का चेंजेस आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप काफ़ी नॉलेजेबल हो जाओगे और आप जो भी पढ़ोगे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने लग जाएंगे और साथ ही आप टॉपर स्टूडेंट्स की गिनती में एंट्री मार दोगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। हैबिट नंबर 1, गेस्टिकुलेशन या एफर्ट। जिस तरह से क्रिकेट में एक बैट्समैन को कंटिन्यूसली अपने टीम के लिए रन बनाते रहने के लिए कभी इक्की कभी दुक्की मौका मिल गया तो चौका लगा दिया या फिर छक्का लगा दिया, मतलब कई तरीके से एफर्ट लगाते रहना पड़ता है, उसी तरह स्टूडेंट्स को भी अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए कंटिन्यूसली एफर्ट लगाते रहना चाहिए, कंटिन्यूसली क्वेश्चंस को कई तरीके से सॉल्व करते रहना चाहिए या फिर जब नींद आ रही हो तब भी पूरा डट करके किताब के सामने बैठ करके उसे पढ़ते रहना चाहिए और उसमें बहुत एफर्ट लगता है जो कि मोस्टली टॉप स्टूडेंट्स में होता ही होता है और उनमें तो ये हैबिट कूट कूट के भरा होता है जो कंपटीशंस की तैयारी करते हैं, तभी तो वो 15 से 16 घंटा तक लगातार एफर्ट लगाते हैं इतने सारे बुक्स के पीछे। सो दोस्तों, अगर आपके अंदर ये एफर्ट लगाने वाली हैबिट प्रेजेंट है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दो क्योंकि आप औरों से कम से कम एक स्टेप तो आगे हो। हैबिट नंबर 2, फोकस। ये ना हैबिट नंबर 1 का सीक्वल है, जैसे फिल्मों का सीक्वल होता है ना, रेस रेस 2 रेस 3, उसी तरह एफर्ट लगा के बुक के सामने बैठ तो गए बट भाई फोकस भी तो होना चाहिए। आपको बहुत ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो 10 से 15 घंटा पढ़ते हैं बट रिजल्ट घंटा आता है क्योंकि उनमें फोकस करने की हैबिट तो होती ही नहीं है। सो बी फोकस विद योर एफर्ट। और फोकस कैसे बढ़ाते हैं इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो या फिर मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जा करके देख सकते हो। हैबिट नंबर 3, वेकअप अर्ली। अब भाई सुबह 8 बजे तक तबेला बेच के सोओगे तो कब पढ़ोगे और रिजल्ट कहाँ से आएगा। हाँ सोना जरूरी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 10 घंटे सो जाओ, 6 घंटा काफ़ी है। यंग हो, स्टूडेंट हो, फुर्ती दिखाओ और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट हैबिट है जो हर स्टूडेंट्स में होना ही चाहिए। और सुबह उठ करके सबसे इंपॉर्टेंट 2 काम जरूर करना चाहिए, मेडिटेशन और एक्सरसाइज, क्योंकि माइंड को शार्प बनाने के लिए बॉडी को स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। और सुने तो हो गई, दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोगों को मॉर्निंग पर्सन भी कहा जाता है। इसी पे एक जबरदस्त बुक भी लिखी गई है जो कि मेरा फेवरेट है, मिरेकल मॉर्निंग, पढ़ लो एक बार, लाइफ बदल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी चेक करो। और दोस्तों, अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो मुझे कमेंट करके अभी बतलाओ। हैबिट नंबर 4, ईट हेल्दी। यार मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, इवन कुछ मेरे फ्रेंड्स भी थे, यार क्या दबा के फास्ट फूड खाते थे। कोई बात नहीं, दबा के खाओ बट हेल्दी फूड खाओ यार, जो तुम्हारे ब्रेन्स और बॉडी को स्ट्रांग करे। और तुम लोग खाते क्या, फास्ट फूड, बस नाम का ही फास्ट है, ज़िंदगी स्लो हो जाती है इसको खाने के बाद। फास्ट फूड खाकर पढ़ने जाओगे तो जल्दी पसर जाओगे, नींद आ जाएगी तो पढ़ोगे क्या। सो अवॉइड फास्ट फूड एंड ईट हेल्दी फूड। और हेल्दी फूड खाने का यार एक ज़बरदस्त साइड इफेक्ट है, तुम फिजिकली भी स्ट्रांग बनते जाओगे। हैबिट नंबर 5, अवॉइड कम्फर्ट जोन। भाई ये मेरा फेवरेट है, एक टाइम में मेरा एक आदत था बिस्तर पे या सोफे पे बैठ के पढ़ना, पढ़ाई तो छोड़ो गजब का कंफर्ट यार, 10 मिनट में सपनों में चला जाता था। लेकिन मैं कब का सुधर गया और आप सब भी सुधर जाओ अगर आप ऐसा करते हो तो। गलती से भी बिस्तर सोफे या किसी भी कंफर्टेबल चीज़ों पे बैठ के मत पढ़ना, तुम्हारे आसपास में कंफर्टेबल चीज़ जितने भी है उसे अवॉइड करो पढ़ते टाइम। बी अनकम्फर्टेबल, कंफर्टेबल जगह पे बैठ के पढ़ोगे नींद आ जाएगी, आलस आएगी, तुम लेथार्जिक बन जाओगे। तो ये थी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की 5 हैबिट्स जो कि मैंने बचपन में पढ़ा था एक संस्कृत के श्लोक के रूप में, बट मेरे समझ में बहुत बाद में आया। तो श्लोक कुछ इस तरह का था, विद्यार्थी के 5 लक्षण, काक चेष्टा बको ध्याना, स्वान निंद्रा अल्पहारी, गृह त्यागी। और भाई मॉडर्न वर्ल्ड में जो बाकी के लोग स्टूडेंट के हैबिट्स के बारे में बतलाते हैं वो सब इसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, यही मेन बेसिक हैबिट्स है स्टूडेंट्स की। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन दबा दो और घंटी वाला आइकन जरूर दबा देना ताकि फ्यूचर में जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और कमेंट करके मुझे बताओ कि आप में कौन कौन सा हैबिट पहले से था और आप कौन कौन सा हैबिट अपनाने वाले हो। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।